सारी संगत काफी समय तो आप गुरु चरणा जुड़े बैठे हो, साहिब गुरु तेग बहादुर जी महाराज के पवित्र इतिहास बाबत आपने बड़िया विस्थार दे विच सुंदर विचार सरवण कीतियां ने। होर कुछ समा आपां गुरु का पवित्र जस करके सफला बनाउणा है। जितने भी आप गुरमुख माई भाई पिछे तक बैठे हो, सारे ही रसना की सफलता वास्ते तिना हिस्सों विच शब्द का गायन करो। पहले हिस्से विच दास बोलेगा, दूसरे हिस्से विच सब भाई और तीसरे हिस्से विच सब बीबियां भी शब्द विच बोल के अपनी रसना पवित्र बनाओ। प्रभ आगम सुनया मनु चाओ भया, प्रभ आगम सुनया मनु चाओ भया, प्रभ आगम सुनया मन चाओ, प्रभ आगम सुनया मन चाओ भया, मन जाओ भया, मन जाओ भया, मन जाओ भया, मन जाओ भया, मन चाओ भया, मन चाओ भया, चाओ भया, मन चाओ भया, मन चाओ भया, मन चाओ भया, प्रभ आगम सुनया मन चाओ भया, प्रभ आगम सुनया मन चाओ भया, मन चाओ भया, प्रभ आगम सुनया,
हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनया, हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख ना व्यापय गुरु चरण लागे दिन सुभागे, अपना पिर जापय अनहत बाणी गुरु शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो कह नानक प्रभ आप मिलिया, करण कारण जोगो प्रभ आगम सुनया जी मेरे मन जाओ भया, आगम सुनया जी मेरे मन जाओ भया, प्रभ आगम सुनया आगम सुनया आगम सुनया आगम सुनया, आगम सुनया आगम सुनया आगम सुनया आगम सुनया, रब आगम सुनया नी मेरे मन जाओ भया, रब आगम सुनया नी मेरे मन जाओ भया, सारी संगत आप सब गुरमुख माई भाई आप नारायण कलाधार जग में परवरियो, निरंकार दे साकार स्वरूप साहिब गुरु नानक देव जी महाराज की नौवीं जोत नौवें गुरु नानक हिंद धर्म के रक्षक साहिब गुरु तेग बहादुर जी महाराज के 400 साल प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित इस समागम दी हाजरियां भरन वास्ते सतगुरु जी की पवित्र हजूरी जुड़मिल बैठे हो। गुरु नानक देव गोबिंद रूप गुरु और परमेश्वर दे विच सार संगत कोई भेद नहीं मनिया जाता, गुरु परमेश्वर एको जान, और जेड़े भेद मनते हैं उन्हों का जन्म बाद भाव व्यर्थ मनिया गया है। बाद रहे सिख हवै नरसे जिन जान्यो नहीं यही जग कादर। कवि चूड़ामणि भाई संतोख सिंह जी कथन करते हैं कि जेडे कहाउंदे ने अपने आप नूं सिख पर जिन्हां दा निश्चा ढिल्ला है, जिहड़े इस हकीकत नूं नहीं समझदे कि इहो ही भाव साहिब गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी परमात्मा दे अकाल पुरख वाहिगुरु दे प्रतक्ष रूप ने, जिन्हां ने इस भेद नूं नहीं साहिब गुरु तेग बहादुर जी महाराज दा आप 400 साला प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हो, उन्होंने प्रगट होने की बड़ी सुंदर कथा
आप सरबत संगतां ने संत बाबा हरि सिंह जी रंधावे वालियां पासों सरवण कीती है। गुरबदास या साडे इतिहास के बहुत सारे ऐसे स्रोत जिन्हां तों असीं अणजाण ही हाँ, साडे विच ही एक इहो जिहा भाईचारा उठ के खड़ा हो गया है जिहड़े इहो जिहे अनमोल स्रोतां नूं पता नहीं क्यों नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। तो सार संगत साढ़े बड़े भागां की निशानी है, भावें जिस कोई आप की कृपा दे नाल चार पर रहन चार पर रात गुजर गई है, अगे दिन आ रहा है ये अपने भाने के बतीत करवा लेना। चार पहर दिन गुजर जाता, सिंह बेनती करते अकाल पुरख वाहगुरु के चरणों के सच्चे पातशाह आप की कृपा के नाल चार पहर दिन बतीत हो गया है, अगे रैन आन लगी है, आपने अंग संग सहाई होना ये रैन भी सुख दे नाल बतीत करवा देनी। सिंघां नूं ते सवेर शाम इहो जिहे अरदासे करने पैंदे सन, इतिहास कौन लिखदा? फिर साध संगत जिन्हां ने इतिहास लिखिया, अफसोस की गल, असीं उन्हां स्रोतां नूं मन्नण तों ही इनकार करते जा रहे हाँ। ठीक है, जिहड़ा इतिहास का कोई भी स्रोत मुकम्मल तो हो नहीं सकता, इसनों परफेक्ट तो नहीं मनिया जा सकता, पर उन्हां स्रोतां नूं नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। साढ़े गुरु साहिबान दे और सतगुरु जी के दरों करों भरोसा ये महापुरखों के बिलास, गुरु साहिबान के गुरु बिलास, उन्होंने दरों करों भरोसा ये गुरसिखा महापुरखों साधुओं के संत बिलास बहुत गिणती दे विच मिलते हैं, जिहड़े साढ़े वास्ते इतिहास के बड़े अमले स्रोत ने। सानू उन्हां दा अध्ययन करना चाहीदा है। खैर ध्यान दिओ, गुरबिलास दे विचों महापुरखां ने तुहानू बड़ा सुंदर प्रकरण नूं सरवण करवाया है। साहिब गुरु तेग बहादुर जी महाराज दे इस मात लोक ते प्रगट होण दी कथा सरवण करवाई है। सार संगत साढ़े दस गुरु साहिबान दे विचों केवल इक्को ही गुरु साहिब होए ने जिन्हां दा श्री अमृतसर साहब की पवित्र धरती से अवतार होया। बाकी इतिहास पढ़ लईए, जे आपां गुरु नानक देव जी महाराज उन्हां दा अवतार आपां सारी जाणदे हां, राय भोई दी तलवंडी अजकल ननकाणा साहिब, साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज का अवतार मत्ते की सरां, साहिब गुरु अमरदास जी महाराज का अवतार बासर के नगर, गुरु रामदास जी महाराज का अवतार श्री गोइंदवाल साहिब, गुरु अर्जन देव जी महाराज का अवतार भी श्री गोइंदवाल साहिब ही होया, गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज का अवतार गुरु की वडाली, गुरु हर राय साहब जी महाराज का, गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज का अवतार श्री कीरतपुर साहिब, साहिब गुरु कलगीधर पातशाह का अवतार पटना साहिब, केवल नौवें पातशाह नौवें सतगुरु साहिब गुरु तेग बहादुर जी महाराज का अवतार ही श्री अमृतसर साहिब की पवित्र धरती से होया। गुरुद्वारा गुरु के महल जिथे कल दे दिन संगतां ने उत्थे नतमस्तक हो के सतगुरु जी दे कीते उपकारां नूं याद कीता,
और साढ़े दस गुरु साहबान दे विचों किसी भी गुरु साहब ने अपने पंज भौतक का अज अपने पंज भौतक शरीर का परित्याग श्री अमृत इतिहास पढ़िए श्री अमृतसर साहब न किन्ने गुरु साहबान की चरण छो प्राप्त है। पर यह भी एक विचित्र गल है कि साहिब गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने छड़ के किसी का अवतार श्री अमृतसर साहब नहीं होया और किसी ने अपने पंज भौतक शरीर का परित्याग श्री अमृतसर साहब नहीं किया। खैर ध्यान दो बचपन आपका बतीत होया श्री अमृतसर साहिब और आपने अपना ज्यादातर समा पर जवानी का समा बतीत किया बकाले नगर। ठीक है जितना समा आप अपने गुरु पिता गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज के शरीर के होंदे उन्होंने नाल रहे जो गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने जंग युद्ध किते चौथे जंग दे विच आपने अपनी शमूलियत की अपने नां नूं सफला करन वास्ते करतारपुर के मैदाने जंग दे विच आपने अपनी शस्त्र विद्या के जौहर भी दिखाए अपनी शस्त्र विद्या विच प्रवीणता भी दिखाई। कई एक विद्वानों का मत तो यह भी है कि बचपन तो आप बड़े उदार सन बड़े त्यागी सन अपनी चितवृत्ति नूं हमेशा संसार तो उपराम रखते। उन्हां दा बचपन का नाम त्यागमल सी और श्री करतारपुर साहिब उन्होंने तलवार चलाउंदियां तेग चलाउंदियां देख के शास्त्र विद्या उन्हों की प्रवीणता सतगुरु जी ने जदों अपनी अखां दे नाल देखी फिर प्रसन्न होकर कहण लगे मेरा त्यागमल नहीं तेग बहादुर है। पर आपने महापुरखों के पासों सरवण किया है कि श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ के उन्हों का नाम बचपन तो ही तेग बहादुर आता है। खैर बेनती करन तो भाव जितना समा आप अपने गुरु पिता जी दे नाल रहे जंग युद्धां दे विच भी आपने शमूलियत की जदों गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज चौथा जंग समाप्त करके श्री कीरतपुर साहिब पहुँचे फिर उत्थे श्री कीरतपुर साहिब अपने गुरु पिता की गोर का आनंद माणदिया आपने अपना समा बतीत किया। जिस तरह साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज की बाबत भट्टा ने कथन किया है ना तैं जन्मत गुरमुत ब्रह्म पछाण्यो कल जोड़ कर सो जस वखाण्यो। जिमें गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने उन्हां दे संसार ते प्रगट होण समय ही उन्हां दे चक्कर चहन देख के अंदाजा ला लिया ये कितनी मंत है संसारियां जोड़ कदे ना आया। गुरु अमरदास जी महाराज का वचन है भगतां की चाल निराली चालदा निराली भगतां केरी बिखम मार्ग चलना लब लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना खन्ने हो तिखी वाल हो निकी। फिर अगर जिहड़ा उन्होंने मार्ग जिहड़ा रस्ता अख्तियार करना होंदा है ना उहदे उपर हर कोई नहीं चल सकता कौन तुरेगा खंडे की धार दे उपर। जिहड़ा उन्हां दा मार्ग होया करदा है खन्यों तिखी
बहुत पैनी। इस ऊपर है मार्ग मेरा, बड़ा औखा इस मार्ग दे उपर चलना, खन्नेहो तिखी वालों निकी एत मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिन्नी आप तजिया हर वासना समाणी, कह नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली। गुरु हरगुण साहब जी महाराज श्री कीरतपुर साहिब भी अपने छोटे साहबजादे के चक्कर चिन्ह देख के या आने वाले भविख नूं देख के हमेशा उसनूं बड़ा माण दिंदे। बहुत बार आपां इस प्रकरण की बाबत विचार कीती है कि माता नानकी जी नूं इस गल की हमेशा चिंता भी रहिंदी कि मेरे पुत्र का बड़ा सीधा साधा सरल जिहा सुभा है, इसकी मस्तानी जी विरती है ना, इसका बहुतियां संगतां दे नाल वाह वास्ता है और ना गुरु घर के विहार कार दे विच इसकी कोई रुचि है, ये हर वेले मस्त रहिंदा है, चढ़न इत्थे दी कोई परवाह नहीं, किते किते चल के आउंदा है अपने गुरु पिता जी के दरबार दे विच, नहीं ज़्यादातर समय नेत्र बंद करके उस परमात्मा की बंदगी विच ही जुड़िया रहिंदा है। इहदे बाकी दे भरा जिन्हों संसार दे लोकी की कहिंदे ने इह ते विगड़ गया है, कोई परमात्मा की अकाल पुरख वाहिगुरु की बंदगी शुरू कर देवे, किसी नूं गुरबाणी पढ़न दा किसी नूं कीर्तन करन दा शौक जाग पवे, तो आम तौर ते लोकी कह दिंदे ने फलाना बच्चा ते विगड़ गया है ते उन्हूं घरों जांदा रहा। माता पिता नूं उह जिहां गल्लां सुण के कई बार चिंता हो जाती है, बाकी बच्चे ते पढ़ाई दे विच भी और जिहड़ियां होर एक्टिविटीज़ ने उन्हां दीआं होर भी बहुत सारियां सरगर्मियां ने, साडा इह बच्चा इहदा ध्यान ते गुरबाणी वाले पासे ही है ते गुरुद्वारे ही तुरिया रहिंदा है, इहदा निर्वाह किवें होवेगा। माता नानकी जी नूं इस गल दी चिंता है कि मेरा यह छोटा साहबजादा बड़े सीधे साधे सरल जे सुभा दा अगे दा निर्वाह किवें होवेगा। साहिब गुरु तेग बहादुर जी महाराज के चरणों के विच एक बार बेनती भी कर दी, सतगुरु जी ने कई बार माता जी नूं समझाउणा कि तुसीं इस दी चिंता ना करिया करो, तुहानू इहदी चिंता करन दी जरूरत नहीं, चिंता ते इस नूं है किसी बहुत वड्डी गल दी, किसी धर्म नूं बचाउण दी। जदों किते वी आप गुरु हरगुण साहिब जी महाराज दे अपने गुरु पिता जी दे सचखंड दरबार विच आउंदे, इतिहास विच जिक्र आउंदा है कि गुरु हरगुण साहिब जी महाराज अपने छोटे साहबजादे नूं अपने नाल अपने सिंघासन ते बिठा लैंदे। माता नानकी जी पुछदे कि महाराज आप अपने छोटे साहबजादे का इतना सत्कार कर दिओ क्यों, की सबब की कारण है। अखीर एक दिन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज कहन लगे भागां वालिओ तुहानू नहीं पता कि समां पा के एक बार जो साहिब गुरु नानक देव जी महाराज के दर घर दा रूहानियत दा रिद्धियां सिद्धियां दे भंडारे ये ब्रह्म ज्ञान का खजाना है, इन्हां दे सुपुरद भी होवेगा भाव ये भी गुरतक दी उपर सुशोभित होणगे, ये वचन कर दिता और नाल ये वचन भी कीता
अगे समा पा के इन्हों के घर किसी महान तेज प्रतापी साहबजादे दुष्ट दमन का अवतार होगा वादा पले बन लिया। माता नानक जी ने गुरु हरगुण साहब जी महाराज का यह वचन भी जरूर वक्त आएगा मैं ठीक गाठ रही वादा इस बासर नखियत्र विनाशी रव ससीर बेनादा गिर वसुदा जल पवन जाएगो साध वचन अटलादा। भावें चंद्रमा नास हो जावे साधुआ दा बोल ना टले भावें चंद्रमा नास हो जावे साधुआ दा बोल ना टले भावें चंद्रमा नास जी नास हो जावे साधुआ दा बोल ना डुले भावें चंद्रमा नास हो जावे साधुआ दा बोल ना डुले संगत वह वक्त भी आ गया। मीरी पीरी के पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने अपने ज्योति जोर समाउण तो पहला ही माता नानकी जी नूं आग्या कर दिती कि तुसीं साढ़े समाउण तो बाद बकाले नगर चले जाना। सार संगत विचार करने वाली गल इत्थे यह है कि बकाले नगर माता नानकी जी का जिहड़ा प्योका नगर माता नानकी जी का पिछला परिवार उन्होंने संबंधी भी उत्थे रहिंदे होणगे। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने यह आग्या नहीं की कि तुसीं अपने संबंधियों के पास जाके रहना है। रहण का टिकाणा किहड़ा दस्या हमरी जनरी केर स्थान श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ के वचन आता है कि उत्थे साड़ी जननी साड़ी माता जी का अंगीठा है उन्हों का अस्थान है। जिन्हां ने इतिहास पढ़िया है उन्हां नूं भली प्रकार इस गल का पता है कि बकाले नगर के रहन वाले भाई मेरे की बेनती मन के गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज इस दी भावना पूरी करने लई उत्थे पहुंचे। इसने बनाई सी अपनी हवेली और यह संकल्प किया सी कि जितनी देर तक सतगुरु जी इस हवेली दे अपना निवास नहीं रखणगे अपने मुबारक चरण नहीं पाउणगे उन्नी देर तक मैं इत्थे अपनी रिहायश नहीं रखांगा। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज के चरणों में जाके बेनती की सतगुरु जी ने सिख की भावना देख के इस दी बेनती प्रवान कर ली। उस वेले
गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज की माता माता गंगा जी का शरीर भी मौजूद सी। सिख ने जो माता जी ने नमस्कार की, माता जी ने भी बेनती कर दी कि माता जी आप भी मेरी हाथ जोड़ के ये अरदास बेनती है कि आपने भी सतगुरु जी के नाल आके मैनू सेवा का अवसर देना। भावें आपकी अवस्था तो बिरध है, आपनू होवेगी तो खेचल, पर मेरी ये भावना है कि मैनू और मेरे परिवार को आपकी भी खिदमत आपकी भी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। फिर माता जी ने भी हां भी भर दी। नियत दिन सतगुरु जी अपने सारे परिवार और मुखी मुखी सिखा समेत बकाले नगर पहुंच गए। कई दिन सतगुरु जी बकाले नगर रहे। भाई मेरे दे घर उत्थे ही माता गंगा जी नूं अकाल पुरख वाहिगुरु का सद्दा आ गया। जिस दिन साहिब गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने जेठ सुदी चौथ वाले दिन लाहौर शहादत दिती सी, ज्योति ज्योत समाए सन, उसी दिन उसी तिथ नूं माता गंगा जी ने अपने पंज भौतिक शरीर का परित्याग कर दिता। फिर उत्थे माता जी का अंतम संस्कार होया। भाई मेरे ने गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज के चरणों च बेनती की, महाराज आप जो गुरु घर की रौ रीत है अंत है सतगुर बोलदिया मैं पिछे कीर्तन करे हो निर्बाण जीव। ये सारा समागम कथा कीर्तन का अंतम अरदास का ये सारी मर्यादा वो आप इत ही निभाओ। और इत्थे फिर आप संगतां दे पासों तिलक प्राप्त करो। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज भाई मेरे नूं कहण लगे कि भाई मेरा जिहड़ी ते गुरु घर दी रौ रीत जां अंतम अरदास वाली गल है उह ते साडी इच्छा है, क्योंकि पिछे भी संगतां उहनां दे मन विच भी वैराग होवेगा, पिछे साडा सारा परिवार कितनियां होर सिख संगतां ने भी जिहड़ी ये गुरु घर दी रौ रीत मर्यादा है ते श्री अमृतसर साहिब ही निभाई जाएगी। और जिहड़ी दूसरी तों गल कर रहे हैं ना तिलक दी, ये तिलक ते गुरु घर दे विच जदों गुरतगति प्राप्त हुंदी है उदों ही प्राप्त किया जाता है। भी तेरे मन विच श्रद्धा है, तेरे मन विच प्रेम है, असीं इस गल नूं भली प्रकार समझदे हाँ, जिहड़ी तेरी ये भावना है ना ये भी किसी वेले पूरी होगी। इहदे वास्ते तैनूं काफ़ी समां उडीक करनी पएगी। और उदों तक तेरा तूं शरीर करके संसार ते मौजूद रहेगा, वह नज़ारा अपनी अखां दे नाल देखेगा। इत्थे बकाले नगर दे विच वी किसी गुरु हस्ती नूं तिलक प्राप्त होगा। साध संगत ओ भविखत वाक भविखत वचन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने पहला ही कह दिते सन भाई मेरे नूं मुखातब होके। हाँ ध्यान दिओ, सतगुरु जी ने अपने परिवार नूं अपने महल माता नानकी जी अपने छोटे साहबजादे तेग बहादुर साहब जी उन्हां नूं बकाले जाण दा हुक्म दे दिता, पर अपने साहबजादे नूं अपने नानके घर रहण वास्ते नहीं, बल्कि जिहड़ा वह माता गंगा जी का अस्थान सी उन्हां दा अंगीठा उस अस्थान ते रहण दी आग्या कीती। फिर सार संगत माता नानकी जी ने फिर गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज की आग्या मन के बकाले नगर जाके डेरा कर लिया।
उन्होंने साहिबजादे तेग बहादुर जी ने उत्थे रह के तप शुरू कर दिता। किहो जिहा तप किया, कैसी घालना घाली, किहो जी साधना कीती। यह है कि उन्होंने केवल अपने गुरु पिता जी की तपस्या का ही नहीं, नाल अपने माता माता गुजरी जी की तपस्या का भी जिक्र किया। जिहड़ी साधना कीती, जिहड़ा तप किया, घालना घाली, साढ़े गुरु पिता जी ने और साढ़े माता जी ने। तात नाम पिता दा, मात नाम माता दा। तात मात मुर अलख अराधा, बहुविध योग साधना साधा, तिन जो करी अलख की सेवा, तां ते भए प्रसन्न गुरदेवा। सार संगत उस थान ते उस बकाले नगर दे विच बहुत बार आपने यह प्रसंग सुनिया होवेगा। पिछले हफ्ते ही साहिब गुरु तेग बहादुर जी महाराज का गुरगद्दी दिवस सी, शायद पिछले या उस तो पिछले हफ्ते आपां इस प्रकरण बाबत विचार भी की, जदों मक्खण शाह ने साहिब गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने उस बकाले नगर दे भोरे विचों प्रगट किया, ये होका दे दिता, पुलिए संगत गुरु ला दोरे, पुलिए संगत गुरु ला दोरे, संगत गुरु ला दो, ये संगत गुरु ला दो रे, सार संगत उधर अठवें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज ने दिल्ली जोत ही जोत समाउण समय यह वचन कर दिता, बाबा बसे ज ग्राम बकाले, बन गुरु संगत सकल संभाले। जिन्हां ने गुरु बन के तुहाडी बांह पकड़नी है, तुहाडी सार लैनी है, जिन्हां ने तुहाडी संगतां दी संभाल करनी है, बकाले नगर तप कर रहे ने, दुनियावी रिश्ते वजों साडे बाबिआं दे थां लगदे आ। ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਸਨ ਬਕਾਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਧੀਰਮਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਗੱਡੇ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਸਨ ਹੋਰ ਸੋਢੀਆਂ ਨੇ। ਰਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ, ਰਸਾਰ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਇਸਦੇ ਵੱਡਕੇ, ਇਸਦੇ ਵਡੇਰੇ, ਇਸਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇਸਦੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈ ਟਾਂਡਾ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
वह सार संगत इस टांडा नगर की एक विशेषता यह भी है कि किसी वेले इत्थे कोई ऐसा सबब बनिया सतगुरु जी के दरों घरों वरोसाए बहुत सारे महापुरखों ने पुरशार्थ किया। संत हरी सिंह जी ने मैनूं दस्या भी पंज महापुरख सन उन्हां दे विच जिन्हां ने संगतां नूं प्रेरिया तो बहुत भारी गिणती दे विच अमृत संचार होया। शायद उहदे नाल दी इतिहास विच होर कोई मिसाल ना होवे। इको वेले 10,000 प्राणियों नूं खंडे बाटे दा अमृत छकाया गया उस नगर दे विच। कह देनी गल बड़ी आसान है, गलती बाती तो भावें आप एक दिन दे विच लखां नूं छका देईए, गल्लां किहदे बाप दीआं ने भावें जिन्नियां मर्जी कोई मार लवे। जदों खालसा पंथ दा 300 साल सिरजणा दिवस मनाया गया ना कुछ क साल पहला, उदों इत्थे राड़ा साहिब असीं 5 दिन लगातार अमृत संचार किया। वो सारे 5 दिनों दे विच तकरीबन 5,500 प्राणियों ने अमृत छकिया। अखीरले दिन विसाखी वाले दिन तकरीबन 3,500 की गिणती दे विच अमृत भलाखी सतगुरु जी की पवित्र हजूरी विच हाजिर होए। आ जिहड़ा अपना हाल है ना, इहदे उपर सानूं टेंट लाउणा पिया क्योंकि अंदर तो इतनी जगह नहीं सी। और 5 प्यारियां दे 2 थां ते बाटा भी असीं उदों स्पैशल तैयार करवाया। 2 बाटियां दे विच खंडे बाटे दा अमृत तैयार किया गया। वो फिर सवेरे 8 बजे तो ला के सानूं तकरीबन 2:30 बज गए। वो 3:30 मेरा ख्याल है 3,400 या 3,500 दे करीब अमृत भलाखी सन उस वेले। जे 5 प्यारियां दा एक ग्रुप खंडे बाटे दा अमृत तैयार करके छकाउण लगदा तो रात पै जांदी। हुण तुसीं आप ही अंदाज़ा ला लो भी 10,000 प्राणियों नूं अमृत छकाउण वास्ते किन्ना वक्त लग्या होवेगा। उन्हां 5 प्यारियां दी कितनी साधना होवेगी, कितनी तनदेही दे नाल उन्हां ने सेवा निभाई होवेगी। वो सार संगत इहो जिहियां सेवावां हर थां ते नहीं होया करदियां। और जिथे इहो जी सेवा होवे फिर उस नगर का नाम सुनहरी अखरां विच लिखिया जांदा है इतिहास अंदर। उहो ही टांडा नगर उत्थों दे रहिण वाला मक्खण शाह जिसने संगतां दी दुविधा दूर कीती, संगतां नूं इह हुक्का दित्ता भुलीए संगते सुनो रो कान सतगुर लद्दा महद महान। खैर सार संगत फिर आप प्रगट होए, संगत विचारना शुरू कर दईए ना, भावें महीनिया बद्धी विचारां करदे रहिए। उत्थों ही आप तीर्थां दी पुकार सुन के तीर्थ यात्रा दे बहाने तीर्थां नूं पवित्र करन वास्ते चल पए। आपने पूर्व दिशा वल नूं कूच कर दिता। मुरपित पूर्व कीस पियाना, भांत भांत के तीर्थ नहाना, जब ही जात त्रिवेणी भए, पुन दान दिन करत बिताए। फिर उत्थे ही माता नानकी जी ने आप नूं गुरु हरगुण साहब जी महाराज का वचन याद करवाया कि सपुत्र जीओ तुहाडे गुरु पिता ने तुहानूं 2 वर सन, एक तो पूरा हो गया है, जिहड़ा दूसरा वर है मेरी इच्छा है कि वह भी मेरे शरीर के हुंदियां हुंदियां ही पूरा हो जाए। मैं भी अपना एक बार पोतरा देख लवां। सतगुरु जी कह लगे माता जी जे पोतरा खिडाउण दा बहुत ही चाह है, फिर देखो किवें रोज़ संगतां इत्थे वीरां कत के आउंदियां ने, महापुरखां दियां साधुआं दियां इत्थे मंडलियां पहुँचदियां हन। आ गया अभ्यागत अभ्यागत थितियां महापुरखां साधुआं दी संगतां दी सेवा करो। संगत नूं गुरु दा रूप जाण के, संगत विच गुरू नानक दा वासा जाण के, हम मन तन खोजी भाल भलाई, क्यों प्यारा प्रीतम मिलै मेरी माई, मिल सत संगत खोज दसाई, विच संगत हर प्रभ वसै जीओ। सारे परिवार ने हथीं संगत दी आ गए अभ्यागतां थितियां साधुआं महापुरखां दी सेवा कीती।
फिर सार संगत उथे ही सबब बनिया तही प्रकाश हमारा भयो। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज का वरदान और दूसरा वचन पूरा होया, पटने शहर जाके पटना शहर विखे भव लयो। सार संगत बड़े संखेप दे विच सतगुरु साहिब गुरु कलगीधर पातशाह ने उस सारे प्रसंग का जिक्र किया है कि बाद में जदों सानू साढ़े गुरु पिता पहला तो आसाम देश वल गए राजा राम सिंह की मदद वास्ते, जो वो मुहिम सर हो गई फिर वापस आए पटने शहर। उत्थे काफ़ी समय संगतां नूं अपने दर्शनों द्वारा उपदेश द्वारा कृतार्थ करते रहे, फिर वापस पंजाब आ गए। पंजाब तो कूच करन वेले उन्होंने इमारतों की उसारी ये सेवा सिखां नूं सौंप दित्ती सी। उरों तक जिहड़ी इमारतों की उसारी मुकम्मल होण ते आ गई, फिर जदों आपने देखिया कि सारा कार्ज हुण संपूर्ण हो गया है, इमारतों की उसारी मुकम्मल हो गई, अपने परिवार को वापस बुला लिया, मदर देश हमको ले आए, भांत भांत दाइयां दुलराए, ये साड़ी परवरिश का बड़ा अच्छा प्रबंध किया गया, किन्नी अनक भांत तन रक्षा। फिर सानू सिक्ख्या देने वास्ते उस्ताद नियत किए गए, दीनी भांत भांत की शिक्षा, मुंशी साहिब चंद जिन्हां दे पासों असीं गुरमुखी पढ़ी, पंडित कृपा राम दत्त उन्हां दे पासों संस्कृत, काजी पीर मुहम्मद उन्हां दे पासों फारसी पढ़ी, मामा कृपाल चंद जी दे पासों शस्त्र विद्या सीखी। अकीनी अनक भांत तन रक्षा, दीनी भांत भांत की शिक्षा, जब हम धर्म कर्म मुँह आए, देव लोग तब पिता सिधाए, साढ़े गुरु पिता। पर उन्होंने अपने निज धाम जाने की तैयारी करने लई सबब बन गया वो सारसंग, जिहड़ा किसे वेले सतगुरु जी ने अपने सिख का बेड़ा बने लाया सी ना, जदों मक्खण शाह ने अरदास कीती कि महाराज मेरा बेड़ा ये बरेती दे विच दलदल विच फस गया है, तो आप कृपा करो इस नूं बन्ने लाओ, अज एक होर बेड़ा फस गया है। जुल्म दी दलदल दे विच कश्मीर दे ब्राह्मण कश्मीर दे पंडित वो साहिब गुरु तेग बहादुर जी महाराज दे चरणां दे विच हाजिर हो गए, बेनती की गरीब नवाज आप दे दर घर सब तो उच्चा और श्रेष्ठ जान के आप दी शरण विच आए हैं। इन्हों की हालत बड़ी तरस योग है, वस्त्र फटे पए ने, चेहरे मुरझाए ने, आदि जी की निशानी उन्होंने मूँह झुका दियां टिड़ां लै रखियां ने, इन्हां नूं इस मजबूरी दे आलम दे विच देख के गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज कहण लगे वी तुहानूं की भीड़ पई है, तुसीं क्यों इतने मायूस हो। महाराज अज साढ़े धर्म का बेड़ा भी रुड़िया जा रहा है, इसनूं कोई किनारा नहीं दिस रहा, असीं अपने धर्म की रौ रीत अनुसार अपने धर्म स्थानां मंदरां विच जा के ठाकर पू आप दे दर घर नूं सब तो उच्चा और श्रेष्ठ जान के, उच्चा दर बाबे नानक दा, उच्चा दर बाबे नानक दा, हाय उच्चा दर बाबे नानक, उच्चा दर बाबे नानक दा, मैं सोभा सुन के आया, उच्चा दर बाबे, उच्चा दर बाबे नानक दा,
मैं सो महा सुन में आया उचा धर्म में, उचा धर्म में नानक सार संगत इन्हां कश्मीर दे पंडतां दी अगवाई करन वाला पंडित कौन सी? ओह ही कृपा रामदत्त जिहड़ा साहिब गुरु कलंगी तरपातशाह दा संस्कृत दा उस्ताद सी। पंडित कृपा रामदत्त गुरु नानक दे घर दी उपमा ते इसने सुनी सी। महाराज आप दे दर घर नूं सब तों उच्चा और श्रेष्ठ जाण के आप दी शरण विच आ गए हाँ, आप कृपा करो, आप दी सिफत करन वाले आप दे भट्टां दे पासों ही आप दा जस सुनिया। चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग जोड़िए, मन लोचा बुरियाईयां गुरु साहिब दी ए मन होड़िए, बाहें जिन्हां दी पकड़िए आप दा बिरद है, बाहें जिन्हां दी पकड़िए सिर दीजै बाहें ना छोड़िए, गुरु तेग बहादुर बोलिया धर पईए धर्म ना छोड़िए। सो आप कृपा करो साडी शरण आया दी लाज रखो, अब राखो दास पाठ की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हिरणाक्ष फारे कर आज, पुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, छीनत वस्त्र दीन बहु साज, सुदामा अपदा ते राखिया गन का पढ़त पूरे ते काज, श्री सतगुर सो प्रसन्न कल जुग होए, राखो दास पाठ की लाज। सार संगत सतगुरु जी ने इन्हां दे धर्म का बेड़ा भी बन्ने लाया, इतिहास से बहुत विस्तार वाला है, आपां ते सिर्फ संखेप दे विच ही अर्ज कर रहे हैं। जिस गुरु का बिरद है, जिहड़ा भी उन्हां नूं प्यार दे नाल याद करदा, उन्हां दी शरण विच आउंदा है, जो सरन आवै तिस कंठ लावै बिरद स्वामी संधा, उस समर्थ गुरु का आप सब गुरमुख माई भाई इस 400 साल प्रकाश दिहाड़ा मना रहे। अपने वड्डे भाग ने जो अपने जीवन दे विच आपां नूं सतगुरु जी दी जन्म शताब्दी उन्हां दे प्रकाश दिहाड़े दी जिहड़ी ए 400वीं वरेगंढ है, उन्हां दा 400 साल प्रकाश दिहाड़ा ये अपने जीवन दे विच आया है, आपां नूं बड़ी श्रद्धा के नाल मनाउण दा अवसर प्राप्त होया है। वो भावें कोविड की महामारी करके आपां वड्डी पद्धर ते इह गुरपुरब नहीं मना सके, नहीं पहलां ते जिहड़ा प्लान बनाया गया सी आपां ने 5 दिनां दा समागम रखना सी गुरपुरब तों पहलां, और अज दे दिन होर वड्डी भारी गिणती दे विच होर उत्साह दे नाल इह समागम मनाया जाणा सी, पर वक्त की नज़ाकत देख के आपां नूं इस समागम सीमित रखना पिया, पर फिर भी अपने अत्यंत वड्डे भाग ने जो आपां नूं इस अवसर ते सतगुरु जी दी इस शताब्दी समारोह दे समय उन्हां दे 400 साल दा प्रकाश दिहाड़े समय उन्हां दा पवित्र जस करन दा उन्हां दे कीते पुकारां नूं याद करन दा इह समां इस सबब प्राप्त होया। आप सर्वत संगतां नूं साहिब गुरु तेग बहादुर जी महाराज दे 400 साली प्रकाश दिहाड़े दी लख लख वधाई होवे जी। आप बड़े लंबे समय तो बैठे हो, तकरीबन 10 बजे दीवान शुरू हो गया सी, काफ़ी लंबा समा हो गया, बहुत सारे गुरमुख माई भाई ऐसे भी होणगे जिहड़े उदों तों ही बैठे गुरबाणी का कीर्तन और विचारां सरवण कर रहे ने। समा हुण बहुत ज़्यादा तकरीबन 4:45 वज गए ने, 4 बजे तक सारी समाप्ति होवेगी। जे आपां हुणे गुरु स्तोत्र पढ़ते हाँ तो आप सब गुरमुख माई भाई जिन्हां ने हुण तक शब्द की धारना विच बोल के भाई अपनी रसना पवित्र नहीं कीती, हुण गज वज के गुरु स्तोत्र पढ़ो, फिर अरदास विच सावधान होना, गुरु महाराज का हुक्मनामा सरवण करना, फिर पूरी समाप्ति होने तो बाद प्रेम नाल अपने घर चाले पाउणे, अपनी संस्था वास्ते इतने होर वड्डे माण की गल है
गुरु नानक देव जी महाराज के 750 साल प्रकाश दिहाड़े समय तो आपां ते गुरु के लंगर की इमारत का नींह पत्थर रखिया सी। सेवा की शुरुआत होई और भावें सेवा पूरी तरह मुकम्मल तो नहीं हो सकी, पर फिर भी अपना वो लंगर हाल कल सतगुरु जी के 400 साल प्रकाश दिहाड़े समय आपां वो लंगर हाल की इमारत संगतां नूं समर्पित कर दी। और लंगर हाल के उपर जिहड़ा एक होर हाल तकरीबन बन के तैयार हो चुका है उसका नाम साहिब गुरु तेग बहादुर जी महाराज के 400 साल प्रकाश दिहाड़े नूं ध्यान में रख के, क्योंकि उस दिन सेवा लगभग संपूर्ण हुई है। उस हाल का नाम उन्होंने पवित्र नाम के उपर, उन्होंने मुबारक नाम के उपर जिन्हों का नाम लिया ही तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवै धाए, जेडे हमेशा ही अपने सिख सेवकों के सब थाई होए सहाए। ऐसे समर्थ गुरु के नाँ पर उस हाल का नाम रखिया जाना गुरु तेग बहादुर हाल। तो आओ अपने वास्ते ये वड्डे माण की गल है, गुरु नानक देव जी महाराज के 550 साल प्रकाश दिहाड़े समय लंगर हाल की इमारत गुरु नानक लंगर हाल और साहिब गुरु तेग बहादुर जी महाराज के 400 साल प्रकाश दिहाड़े समय नवी बनी इमारत गुरु तेग बहादुर साहिब हाल। ये दोवें इतिहासक अपने वास्ते घटनावां ने और आपां नूं इमान प्राप्त है, संगतां आउण वाले समें दे विच वी याद रखणगियां वी इन्हां इतिहासक दिहाड़ियां ते इस अस्थान ते इह सेवावां मुकम्मल होईआं सन। सो आओ हुण तक भाई जिहड़े शब्द विच बोल के अपनी रसना पवित्र नहीं कर सके वो हुण गुरु स्तोत्र पढ़ के अपनी रसना सफल ही बनाओ जी। आन है धन है गुरु नानक साहिब धन है, धन है धन है धन है अंगद साहिब जी धन है, धन है धन है धन है गुरु अमरदास जी धन है, धन है धन है धन है गुरु रामदास जी धन है, धन है धन है धन है गुरु श्री हर कृष्ण जी धन है, धन है धन है धन है गुरु तेग बहादुर धन है, धन है धन है धन है गुरु गोविंद सिंह जी धन है, धन है धन है धन है गुरु ग्रंथ साहिब जी धन है,
धन है धन है धन है तेरा पंथ खालसा धन है सतनाम श्री वाहिगुरु बोल सतनाम श्री वाहिगुरु बोल वाहिगुरु बोलक दे नाडो वाहिगुरु बोलक दे नाडो वाहिगुरु वाहिगुरु बोल प्यारिया तेरा प्यारा मेरा मोल प्यारिया वाहिगुरु वाहिगुरु बोल प्यारिया तेरा कृष्णा लगेगा मोल प्यारिया सतनाम श्री वाहिगुरु बोल सतनाम श्री वाहिगुरु बोल वाहिगुरु बोल कले ना डोल वाहिगुरु बोल कले ना डोल सतनाम श्री वाहिगुरु बोल सतनाम श्री वाहिगुरु बोल सारी संगत इन्नी हाजरी प्रवान करने भुगतान चुकान की खिमा बख्शनी एक बार फिर सारिया संगतान नू साहिब गुरु तेग बहादुर जी महाराज के 400 साल प्रकाश दिहाड़े की लख लख वधाई होवे जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तू ठाकुर तुम पहरदास जियो तुम मात पिता हम बारिक सगल समग्री तुमरै तुमरी गत मित तुदया गय अरदास हमारी कह नानक सब बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु 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 तीने ताप निवारण हारा दुखनता सुखरास तागो बिगन ना को लागे जाकी प्रभागे अरदास अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई जिस रिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नौन दे आवे ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होए सहाय सलोक महला दूजा आपे जाने करे आप आपे आण है रास तिसे अगे नानका खले कीचे अरदास सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान तरके खालसा जी साहिब बोलो जी दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान धरके
खालसा जी साहिब बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहान साहिबजादियां चाली मुक्तियां पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धरके खालसा जी साहिब बोलो जी। जिन्हां गुरमुखां नाम जपिया वंड छकिया धर्मेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े सिदक निहारिया तिन्हां प्यारियां सचियारियां सिदकवान सिखां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी साहिब बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा आप अकाल पुरख वाहिगुरू सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बूंगे जुगो जुगे अटल धर्म का जयकार सिखी सिदक केसा स्वासा संग निभाउणा हे करुणा निधान सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी का पवित्र महावाक धन 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 जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन अमन का यह सुभाओ जन कै संग चितावे नाओ दे महावाक अनुसार ऐसे दीन दयाल सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज उन्हां दे 400 साल प्रकाश दिहाड़े दे संबंध विच दीवान सजाए गए हन कीर्तन वख्याण होए हन कथा विचारां कीतीआं गईआं अखर वादा काटा पुलचुक माफ करो अगे वास्ते शुद्ध स्पष्ट कीर्तन वख्याण करन दा कथा विचारां करन दा बल उद्दम बख्शो हे मेहरबान जी गुरबाणी द्वारा विचारां कीतीआं गईआं इन्हां दा प्रभाव साढ़े कलयुगी जीवां दे हिरदिआं ते वसाओ दारा ही संगत दी हाजरी तिल फुल भेटावां दर ते प्रवान करो अपने दरो करो गुरसिखी नामदान भरोसा बख्शो जी सतगुरु जी करो कृपा इलाही दरगाही हुक्म बख्श के संतन निहाल करो काम क्रोध लोभ मोहंकार तो बचा के अपने पवित्र चरण कमलों की प्रीत बख्शो जी सही प्यारे मिलो जिन्हां मिलिया आप जी का नाम अठे प्यार चितावे कला वाहिगुरु जी की वरते धन श्री गुरु नानक नाम चढ़ती कला ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਗੁਰਪੁਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ ਸਹੀ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਨਾ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ ਮਨ ਚਾਉ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ ਰਾਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਪ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਰ ਨਿਧ ਦੁਖ ਨਾ ਸਕੈ ਬਿਆਪ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ ਰਾਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਪ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਰ ਨਿਧ ਦੁਖ ਨਾ ਸਕੈ ਬਿਆਪ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭਜੋ ਗੋਪਾਲ ਆਨ ਸੰਜਮ ਕਿਛ ਨਾ ਸੂਝੈ
एह जतन काट कल काल रहाओ। आदि अंत दयाल संपूरन तिस बिना नहीं कोए, जन्म मरण निवार हर जप सिमर स्वामी सोए। वेद सिमरित कथै शास्त्र भगत करह विचार, मुक्त पाई साध संगत बिन सजाए अंधार। चरण कमल आधार जनका रास पूंजी एक, तान मान दीवान साचा नानक की प्रभ टेक। चरण कमल आधार जनका रास पूंजी एक, तान मान दीवान साचा नानक की प्रभ टेक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।